Good morning, students. Welcome to GPRP online classes for standard 6. बच्चों, आज हम आपके हिंदी का 13वां पाठ का प्रश्न चर्चा करते हैं, ठीक है? आज हम आपके हिंदी के 13वां पाठ का प्रश्न चर्चा करते हैं, ईर्ष्या और निंदा, ये निबंध है, ठीक है? और इसके तो सबसे पहले मौखिक के प्रश्न पर आइए बेटा। क प्रश्न है, लेखक ने ईर्ष्या के किस अनोखे वरदान की चर्चा की है? ठीक है, प्रश्न है लेखक ने ईर्ष्या के किस अनोखे वरदान की चर्चा की है? इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक ने ईर्ष्या के इस अनोखे वरदान की चर्चा की है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं के कारण दुखी होता है जो दूसरों के पास है। ठीक है, ईर्ष्या का जो वरदान है वो ये है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वो उसके पास क्या है इस चीज़ को ना देकर उसका ध्यान हमेशा इस पर रहता है कि दूसरों के पास क्या है, इस कारण उस वो हमेशा जलता रहता है। ठीक है, ख प्रश्न देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो दूसरों की निंदा क्यों करता है? इसका उत्तर लिखेंगे, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है क्योंकि वह उसे दूसरे लोगों अथवा उसे यानी जिससे वो निंदा कर रहा है, जिससे वो जल रहा है, जिसके प्रति ईर्ष्या का भाव रख रहा है, ठीक है, दूसरे लोगों अथवा मित्रों की आंखों से गिराना चाहता है और जो स्थान रिक्त होगा उस स्थान पर वह स्वयं बैठना चाहता है। ठीक है, दोबारा सुनो, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है ना बेटा, वो दूसरों की निंदा बुराई क्यों करता है पता है? क्योंकि ऐसा करके वह उसे जिसकी निंदा कर रहा है उसे दूसरे लोगों अथवा मित्रों की आंखों से गिराना चाहता है, यानी उसके बारे में खराब खराब गलत गलत बोलकर उसका अपमान करना चाहता है, उसका मजाक उड़ाना चाहता है, उसको नीचे गिराना चाहता है और जो स्थान रिक्त होगा फिर उस स्थान पर वह स्वयं बैठना चाहता है और ऐसा करके दूसरों का निंदा करके, दूसरों की निंदा करके उसको ऐसा लगता है कि अभी उसको तो मैंने उस सम्मान के स्थान से गिरा दिया है, अभी वो उसको जो सम्मान मिल रहा था वो सम्मान मुझे मिलने वाला, मुझे मिलेगा। ठीक है, देखो ग प्रश्न, ईर्ष्या का काम क्या है? ठीक है, ईर्ष्या का काम क्या है? इसका उत्तर पेज नंबर 126 में है, पेज नंबर 126 लिखो, लिखा, अभी पेज नंबर 126 में आओ। देखो पेज नंबर 126 में ये पहला अनुच्छेद स्टार्टिंग सही है, ठीक है, सबसे ऊपर, ईर्ष्या का काम जलाना है मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ठीक है, ईर्ष्या का काम जलाना है मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ठीक है, होता है, ये किसका उत्तर था? ग का, टिक किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग का उत्तर है। ठीक है, अभी बेटा घ प्रश्न में आओ, लेखक ने ईर्ष्या को मृत्यु से भी बदतर क्यों कहा है? लेखक ने ईर्ष्या को मृत्यु से भी खराब, बदतर यानी खराब क्यों कहा है? इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक ने ईर्ष्या को मृत्यु से भी बदतर क्योंकि जगह लिखेंगे इसलिए, क्योंकि जगह लिखेंगे इसलिए कहा है क्योंकि, ठीक है, पेज नंबर 126 में आओ, पेज नंबर 126 में आए। ठीक है, अभी ये देखो सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, चिंता को लोग चिता कहते हैं, सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है अपेक्षा इससे कि वह हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। ठीक है,
ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो ईर्ष्या है वो मनुष्य का जो मौलिक गुण होता है ना, मौलिक गुण, यहाँ पे मौलिक गुण का अर्थ है जो हमारे जीवन मूल्य होते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा सत्य का साथ देना है, अन्याय का साथ नहीं देना है, ये जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार हम में होते हैं उनको ही कुंठित बना डालती है। ठीक है, हम चाहकर भी सही जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते। मृत्यु तो फिर भी श्रेष्ठ है, मृत्यु में तो हम एक बार मरते हैं, है ना, जब हमारी मृत्यु होती है उसमें हम लोग एक बार मरते हैं, लेकिन जब हमारे मौलिक गुण कुंठित हो जाते हैं तब उस दुर्भावना के कारण बच्चों हमको बार बार मरना पड़ता है, और उसका कारण भी और कोई नहीं होता, हम स्वयं ही होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्योंकि से लेके, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है अपेक्षा इससे कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक घ का उत्तर मौखिक का। ठीक है, अभी वह प्रश्न देखो, हमें दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए। प्रगति यानी प्रोग्रेस, विकास। ठीक है, जब कोई दूसरा व्यक्ति प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है, विकास कर रहा होता है, तो उस समय उससे हमें क्यों नहीं जलना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हमें दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या क्यों की जगह लिखेंगे इसलिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वह, पेज नंबर 126 में आओ, पेज नंबर 125 बेटा, 125, ठीक है। हमें दूसरों की प्रगति इससे ईर्ष्या इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे वह अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह निर्माण की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है, और अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वह का उत्तर है। ठीक है, ये वह का उत्तर है। जब दूसरों की प्रगति से ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जलता है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा खुद कुछ करना, खुद कोई भी काम करना, मेहनत करना भूल जाता है, वो खुद परिश्रम करना छोड़कर कैसे करके उस व्यक्ति को हानि पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, इसी में ही उसका सारा ध्यान लगा रहता है, और इस कारण वह निर्माण की प्रक्रिया को छोड़कर विनाश में लग जाता है। ठीक है, अभी मेरी लेखनी में आइए, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तर्जबे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ठीक है, क, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस तर्जबे से होकर गुजरे होंगे, उन्होंने जिसकी भलाई की होगी उसी ने उनकी निंदा की होगी। ठीक है, उन्हें ये अनुभव हुआ होगा कि उन्होंने जिसकी भलाई की उसी ने उसकी निंदा की है होगी। ठीक है, तो इस पे टिक लगाएंगे। अब देखो, ख, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की होगी, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ लिखेंगे, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की होगी, इस कथन का आशय है। ठीक है, इस कथन का आशय है जिसकी हम भलाई करते हैं वही हमारी निंदा करता है, क्योंकि अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण वह हमारी श्रेष्ठता, महानता, उदारता, हृदय की निर्मलता, विशालता को सह नहीं पाता। ठीक है, हमारे में जो अच्छे गुण हैं ना, ईर्ष्यालु व्यक्ति उन गुणों को सह नहीं पाता, उसको अच्छा नहीं लगता कि सब उसको इतना अच्छा क्यों बोलते हैं, सब उसको इतनी, उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं, उसको इतनी इज्जत क्यों देते हैं, वो ये सह नहीं पाता। ठीक है, ख का उत्तर एक और बार बता रही हूँ, सुनो, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की होगी, इस कथन का आशय है
जिसकी हम भलाई करते हैं वही हमारी निंदा करता है, क्योंकि अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण वह हमारी श्रेष्ठता, महानता, उदारता, हृदय की निर्मलता, विशालता को सह नहीं पाता। ठीक है, अभी बहुविकल्पीय प्रश्न पर आइए। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क है, लेखक के घर के दाहिने हाथ पर कौन रहता है? वकील। ठीक है। ख, ईशा की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। ठीक है, अभी ग प्रश्न पर आइए। कैसा व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक होता है? ईर्ष्यालु किस्म का। ठीक है, ग है, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। प्रतिद्वंदियों यानी जिससे हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन। ठीक है, इसके लिए लेखक ने कौन सा उदाहरण दिया है? भिकमंगा करोड़पतियों से ईर्ष्या नहीं करता, इसका उदाहरण दिया। ठीक है, अभी लघु उत्तरीय प्रश्न पर आइए। क प्रश्न है, व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, व्यक्ति के पतन का कारण क्या की जगह लिखेंगे ईर्ष्या होती है। ठीक है, व्यक्ति के पतन का कारण ईर्ष्या होती है, क्योंकि पेज नंबर 124 का लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से जिससे। ठीक है, ये क का उत्तर है, लघु उत्तर ये प्रश्न का, क का उत्तर है। यहाँ से, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती। यहाँ तक ठीक है। देखो बेटा, पेज नंबर 125 का ये जो सेकंड है ना, दूसरा अनुच्छेद, एक उपवन को पाकर भी, इसमें से हम लोग उत्तर बनाएंगे। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, इस दोष के कारण ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर होता है कि भगवान ने जो भी उसे दिया है उस पर वह ध्यान ना देकर दूसरे व्यक्तियों की वस्तुओं, सुख समृद्धि, वैभव को देख देख कर जलता रहता है। ठीक है, उसके पास जो चीज़ है वो उस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है। दूसरों के पास क्या है वो हमेशा तुलना करता रहता है और इसी कारण वो दुखी होता है। और क्या करता है वो, और ईर्ष्या प्रवृत्ति के कारण, जलने के कारण वह स्वयं की उन्नति के बारे में ना सोचकर दूसरे व्यक्ति के विनाश करने पर उतारू हो जाता है। ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण वो किस प्रकार से उसकी उन्नति हो इस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपना ध्यान इस पर देता है कि किस प्रकार उस दूसरे व्यक्ति का मैं नाश कर दूं, विनाश कर दूं, उसको कुछ हानि पहुंचा दूं। ठीक है, तो ख का उत्तर आप ये लिखेंगे। देखो ग प्रश्न, ईर्ष्या चिंता से भी बढ़ती है, कैसे? इसका उत्तर लिखेंगे, ग प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बेटा। देखो बेटा, ग का उत्तर लिखेंगे, ईर्ष्या चिंता से भी बढ़ती है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव दूसरों से स्वयं की तुलना करता रहता है। ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करता रहता है, हमेशा कंपेयर करता रहता है। उसके लिए प्रसन्नता के मायने का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, मायने का मतलब होता है अर्थ, यही है कि उसके पास हमेशा दूसरों से अच्छी और ज़्यादा वस्तु हो। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसके लिए प्रसन्नता का अर्थ क्या होता है पता है? खुशी का अर्थ क्या होता है? वो ये सोचता है कि उसके पास हमेशा दूसरों से ज़्यादा और अच्छी वस्तु हो, तभी वो खुश रह सकता है। वो खुश भी होना चाहता है तो दूसरों से तुलना कर करके, यानी दूसरों को छोटा दिखाकर, दूसरों को नीचा दिखाकर कि उसके पास तो कम है, मेरे पास ज़्यादा है, तभी मैं खुश होऊंगा। उसे अपनी वस्तु पर, अपनी चीज पर, भगवान ने उसे जितना भी दिया है उस पर विश्वास नहीं है, और निरंतर तुलना करने के कारण कुछ ना कुछ अभाव निकल ही जाता है। जब हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, तो कोई ना कोई चीज तो निकल ही आती है जो हमारे पास कम हो।
तो इसके लिए उसको और परेशानी हो जाती है, चिंता हो जाती है। इस प्रकार अपने अनुभव अभाव को अनुभव कर वह और चिंता से जलने लगता है। और जब उसको पता चलता है, कंपेयर तो उसकी आदत होती है, कंपेयर करता करता जब कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाती है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ चीज़ कम होता ही है। और जब उसको पता चल जाता है मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो और चिंता से जलने लगता है। और अंततः वही उसके ईर्ष्या को और बढ़ाने का कार्य भी करती है। और जब उसे पता चल जाता है मेरे पास ये चीज़ नहीं है या कम है, तो उसको और चिंता होने लगती है और इस कारण वो और जलने लगता है। ठीक है, तो ग का उत्तर ये लिखेंगे। घ प्रश्न देखिए, कैसी हंसी को लेखक ने राक्षसों की हंसी कहा है। ठीक है, कैसी हंसी को लेखक ने राक्षसों की हंसी कहा है। पेज नंबर 126 पे इसका उत्तर है। पेज नंबर 126 में आए बेटा, देखो घ का उत्तर है, निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने को। ठीक है, घ का उत्तर है, निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने को लेखक ने राक्षसों की हंसी कहा है। ठीक है, वह प्रश्न देखिए, शरीफ लोग क्या सोचते हैं। पेज नंबर 127 निकालिए। शरीफ लोग सोचते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति मेरी इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि सबसे अधिक भलाई उसी की है। मैं तो साफ मन का हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह दुर्गुण है जिसे दूर करके मैं अपने इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। यानी वह परेशान रहता, जो शरीफ व्यक्ति होता है ना, जो शरीफ लोग होते हैं वो परेशान रहते हैं हमेशा कि अरे मैंने तो सामने वाले को कुछ बिगाड़ा नहीं है, उसका तो मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं है, फिर हमेशा वो मेरी निंदा क्यों करता रहता है। इससे मैंने जो किया तो उससे तो उस इंसान का भला ही होगा, उसका फायदा ही होगा। मैंने तो कभी किसी के बारे में, उसके बारे में मैं तो कभी खराब नहीं सोचता, मेरा मन कितना साफ है। और किसी भी इंसान के लिए मेरे मन में कोई खराब भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है, बल्कि मैं तो अपने दुश्मनों की भी अच्छाई के बारे में ही सोचता हूँ। फिर भी ये लोग, ये निंदा करने वाले लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मेरे मुझ में ऐसी क्या कमी है, किस प्रकार से मैं इन लोगों को चुप करा सकता हूँ, उस बेचारे को समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो इसका उत्तर है शरीफ, वह का उत्तर लिखेंगे, शरीफ लोग सोचते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको काट देंगे, यह सोचते हैं इसको काट देंगे। ठीक है, शरीफ लोग सोचते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। ठीक है, च प्रश्न देखिए, लेखक के पड़ोसी वकील के दुख का क्या कारण था। लेखक के पड़ोसी वकील के दुख का क्या कारण था, इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक के पड़ोसी वकील के दुख का क्या की जगह लिखेंगे यह कारण था कि। पेज नंबर 124। उनकी बगल में जो बीमा एजेंट रहते हैं, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर उसकी मासिक आय और उसकी शानो शौकत मेरी को काट के लिखना उनकी भी हुई होती। ठीक है, जो बीमा एजेंट है ना, लेखक के बगल में एक बीमा एजेंट रहते हैं, उनको देखकर वो हमेशा परेशान रहते हैं, उनको चिंता बनी रहती है कि कितना सब कुछ दे रखा है। उनके उस बीमा एजेंट के पास कितना कुछ है, मोटर है उसके पास, उसकी मासिक आय भी अच्छी है, उसकी शानो शौकत भी कितनी अच्छी है, काश ये सब मेरा होता है। और फिर वो तुलना करता है कि भगवान ने मुझे जो दे रखा है वो काफ़ी नहीं है। हमको ऐसा लगता है ना बेटा
कि हमें भगवान ने जो दिया है वो हमेशा कम है। काश इससे ज़्यादा होता, काश इससे बेहतर होता हमारे पास। ज़्यादा 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 जो हम सोचते हैं ना, वो हमारा लालच ही होता है, वो हमारा लोभ ही होता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और मेरी को काट के लिखना उनकी, ये च का उत्तर है। ठीक है, वो जो लेखक हैं वो सोचते थे कि भगवान ने उनको जो दिया है ना वो काफ़ी नहीं है, काश उनके पास और होता और ज़्यादा होता, काश वो जो बीमा एजेंट है उसके पास जो चीज़ें हैं वो मेरी होती। ये देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क, इश्यालु मनुष्य की क्या क्या दुष्प्रवृत्तियाँ होती हैं। दुष्प्रवृत्तियाँ यानी उनकी क्या क्या कमियाँ होती हैं, खराब बातें होती हैं। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे इश्यालु मनुष्य की अनेक क्या की क्या क्या की जगह लिखेंगे अनेक दुष्प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे स्वयं के अभावों को के बारे में सोचकर हमेशा वो चिंताग्रस्त रहता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्वयं की उन्नति के लिए वो कोई भी प्रयास नहीं करता। फिर तीसरा पॉइंट लिखना अन्यों दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिखना वो हमेशा दूसरों की निंदा करता रहता है। पांचवा पॉइंट लिखना अपने समय और शक्ति का अपव्यय करता रहता है। ठीक है, और छठा पॉइंट लिखना अपने मौलिक गुणों को वो कुंठित बना डालता है। और सातवां पॉइंट लिखना कि वो दूसरों की निंदा करते करते समाज को दूषित करना चाहता है। आठवां पॉइंट लिखना निंदा की ईर्ष्या की प्रवृत्ति के कारण वो खुद के ही सुख में बाधक बन जाता है। और क्या है नवा पॉइंट लिखना, और वह दैत्यों की हंसी हंसता है, दैत्यों राक्षसों की हंसी हंसता है। और दसवां पॉइंट लिखोगे उसका भला करने वाले की ही वह पीठ पीछे निंदा करता है। और ग्यारहवां पॉइंट लिखना उसकी मानसिकता संकीर्ण होती है। ठीक है, ये बुक में से आप ढूंढ ढूंढ कर लिख लेंगे। खा प्रश्न देखिए, ईर्ष्या के कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं, यानी जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जो जलता है, उसका क्या क्या नुकसान होता है उस इंसान को। तो ये जो पहला प्रश्न है ना, इसी से मिलता जुलता है। इसका उत्तर लिखेंगे ईर्ष्या के कौन कौन से की जगह लिखेंगे निम्नलिखित, निम्नलिखित। ठीक है, ईर्ष्या के कौन कौन से की जगह लिखेंगे निम्नलिखित दुष्परिणाम होते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ईर्ष्या के निम्नलिखित, निम्नलिखित लिखा है यहाँ पर लिखना इसे निम्नलिखित, ईर्ष्या के निम्नलिखित दुष्परिणाम होते हैं। पहला पॉइंट बताना, ईर्ष्यालु व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को छोड़कर विनाश की प्रक्रिया में लग जाता है, एवं अपनी उन्नति को छोड़कर वो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने में ही अपना सारा ध्यान लगाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना इससे व्यक्ति का के मौलिक गुणों का ह्रास हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखना ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं ही अपने सुख का बाधक बन जाता है। और चौथा पॉइंट लिखना हमेशा दूसरों से तुलना करने के कारण वह और दुखी हो जाता है, उसकी चिंता और बढ़ जाती है। ठीक है, और ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदक होने के कारण दैत्यों की हंसी हंसता है। ठीक है, और अपनी बातों से समाज को दूषित करता रहता है, सातवां पॉइंट लिखेंगे, और उसकी मानसिकता, ईर्ष्यालु व्यक्ति की मानसिकता संकीर्ण बन जाती है। ठीक है, ये देखो ईर्ष्यालु मनुष्य का पतन क्यों हो जाता है, इसका उत्तर है पेज नंबर 125। ठीक है, पेज नंबर 125 निकालिए, ग का उत्तर पेज नंबर 125 में है। ये देखो, अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह निर्माण की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है, और अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना छोड़कर वह दूसरों
को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है एवं उसके मौलिक गुणों का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार सृजन को छोड़ विनाश के काम में लगने के कारण उसका पतन हो जाता है। ठीक है, दोबारा सुनो ग का उत्तर। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह निर्माण की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है एवं उसके मौलिक गुणों का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार सृजन को छोड़ विनाश के काम में लगने के कारण उसका पतन हो जाता है। ठीक है, ये छोटा छोटा दिख रहा है ना आपको। अभी घ प्रश्न देखिए। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, कैसे स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर पेज नंबर 126 में है। देखो घ का उत्तर है, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है क्योंकि प्रतिद्वंदियों से मनुष्य का विकास होता है। जब हम किसी आगे लिखेंगे, जब हम इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, जब हम जब ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है तो उसके मन में प्रतिद्वंदिता, ठीक है, प्रतिद्वंदिता की भावना उपजती है जिसके कारण वह इस प्रयास में लग जाता है कि किस प्रकार मेरे पास उस दूसरे व्यक्ति से अधिक चीजें हो, वस्तुएं हो, और इस सोच के कारण वह कार्य में लग जाता है और परिश्रम और प्रयास करने लग जाता है ताकि वो दूसरे व्यक्ति से अधिक सुविधा संपन्न बन जाए। ठीक है, भाव स्पष्ट कीजिए। क, ईर्ष्या का काम जलाना होता है मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले संकेत लिखेंगे। ठीक है, ईर्ष्या से लेकर डैश डैश होता है, संकेत दे दिया। इस पंक्ति का व्याख्या करेंगे, भावार्थ लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक उद्भव के पाठ ईर्ष्या और निंदा से ली गई है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, और फिर भावार्थ लिखेंगे, ईर्ष्या की प्रवृत्ति को बताते हुए लेखक कहते हैं, ईर्ष्या का काम जलाना होता है, अर्थात जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह हमेशा दूसरों की सुख समृद्धि वैभव और नाम को देख देख कर जलता रहता है। वह यह सोचता है कि यह सब मेरे पास क्यों नहीं है, और इसी दुर्गुण के कारण एवं स्वयं की असमर्थता के कारण भी वह दूसरों से जलता है। ईर्ष्या से प्रेरित होकर जब वह दूसरों का अमंगल करने के बारे में सोचता है तब दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले वह स्वयं उस क्रोध जलन ईर्ष्या से जलता है। ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद वो जो क्रोध होता है, वो जो जलन होता है, जो ईर्ष्या होती है, उससे वो खुद जलता है। ठीक है, दूसरों को कष्ट पहुँचाने से पहले वो खुद उस ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, उस जलन के कारण खुद जलता है। ठीक है, ख का उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले संकेत लिखेंगे बेटा, ईर्ष्या मनुष्य का से लेके पड़ती है तक। प्रसंग में वही लिखेंगे जैसा अब तक हम लिखते आ रहे हैं। एक्स्ट्रा हमने इसमें यही लिखा, इसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति के ईर्ष्या करने पर उसके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है इसे बताया गया है। ठीक है, और नीचे भावार्थ लिखेंगे, ये वीडियो स्टॉप करके आप ये लिख लेंगे। ठीक है, भावार्थ देखिए, इन पंक्तियों में लेखक यह बताना चाहते हैं कि ईर्ष्या व्यक्ति के चरित्र का दोषी नहीं है, वरन इससे उसके सुख आनंद में भी बाधा पड़ती है क्योंकि वह अपने पास उपलब्ध वस्तुओं को ना देखकर दूसरों की वस्तुओं पर ध्यान देने लग जाता है जिसके कारण वह स्वयं ही इस चिंता दुख के कारण कि उसके पास वो सारी वस्तुएं नहीं है ऐसा सोचकर दुखी रहने लगता है। ठीक है, ठीक है, ग का लिखेंगे भावार्थ, सबसे पहले हम लोग संकेत लिख देंगे, पंक्ति का पहला शब्द और अंतिम शब्द। ठीक है, उसके बाद प्रसंग में जैसे लिखते हैं, और एक्स्ट्रा इसमें ये लिखेंगे, यह सूत्र नित्से द्वारा दिया गया है। ठीक है,
और भावार्थ में लिखेंगे, नित्से के सूत्र के अनुसार व्यक्ति अपने गुणों के कारण ही महान समझे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा था नित्से ने कि हम में जो गुण होते हैं, जो अच्छाइयाँ होती हैं, उसी के कारण हम बड़े इंसान या महान व्यक्ति समझे जाते हैं। ठीक है, एवं सब उसकी प्रशंसा करते हैं एवं समाज में सम्मान भी होता है, किंतु वही महान गुण ईर्ष्यालु व्यक्ति के चिंता एवं दुख का कारण बन जाता है और वह उससे जलने लगता है। ठीक है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के जो महान गुण हैं उसके चलते वो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है ना, उससे जलने लगता है, बजाय इसके कि वह अपनी उन्नति के लिए प्रयास करे। ठीक है, अपनी असमर्थता एवं दूसरों की समर्थता के कारण ईर्ष्यालु व्यक्ति उस व्यक्ति विशेष से जलने लगता है। वो खुद नालायक है, वो उसमें खुद उतनी शक्ति नहीं है कि उतना मेहनत करके, उतना त्याग करके वो सारे अर्जित करे, वो नाम अर्जित करे। वो मेहनत तो नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसमें वो खुद सामर्थ्यवान नहीं है, उसमें उतनी क्षमता नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति क्षमतावान है, ये देखकर वो और जलने लगता है। ठीक है, अभी भाषा और व्याकरण पर आइए। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण चुनकर लिखना है। पहले वाले वाक्य में अनोखा है विशेषण, दूसरे में बदतर है, बदतर चीज़, चीज़ कैसी है, बदतर। ठीक है, वरदान कैसा है, अनोखा। ग में व्यक्ति का विशेषण क्या है, वो ईर्ष्यालु है, और घ में लोग का विशेषता क्या है, शरीफ है। ठीक है, अब ये देखो, दूसरे प्रश्न में हम लोग सरल मिश्र संयुक्त वाक्य का उदाहरण देंगे। सरल वाक्य का लिखो, राम खेलता है। मिश्र वाक्य का लिखना, माँ ने कहा था कि पढ़ाई करो। ठीक है, संयुक्त वाक्य का लिखा, सूर्योदय हुआ और हम अपने कार्य में लग गए। ठीक है, यहाँ पर जो विशेषण शब्द हैं इनसे भाववाचक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, संकीर्ण प्लस ता संकीर्णता, विशाल प्लस ता विशालता, शरीफ का बनेगा शराफत, निर्मल का बनेगा निर्मलता, उदार का बनेगा उदारता, मौलिक का बनेगा मौलिकता। ठीक है, और चौथे प्रश्न में भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदलना है। उपकार का होगा उपकारी, उन्नति का उन्नत, प्रशंसा का प्रशंसनीय, भलाई का भला, अनुभव का अनुभवी, स्वाद का स्वादिष्ट, असंतुष्टि का असंतोषी, चिंता का चिंतनीय। ठीक है, और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, ये खुद भी कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है। निंदा, निंदा एक दुर्गुण है। चरित्र, हमारा चरित्र निर्मल होना चाहिए। ईर्ष्या, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। पुरस्कार, ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए राक्षसी हंसी एक पुरस्कार स्वरूप है। अहंकार, अहंकार हमारी दुर्बलता है। मनुष्य, सबकी मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त हो गया। आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा, ये निबंध। ठीक है, थैंक यू क्लास।